अगर मैंने आपसे कोई चीज उधार पे ली है तो क्या मैं उसको तीसरे बंदे को भेज सकता हूँ? एक मिनट, उधार ली है आप लीजिए, उधार आपने ली है किस हैसियत से? खरीदने की हैसियत से, किराए की हैसियत से, आरियत की हैसियत से? ये तीन शक्लें बनती हैं। नहीं, उसको मैं आगे बेच के उस पे प्रॉफिट। आपने खरीद लिया है उसको? नहीं। खरीद लिया है उसको तो पैसे बाद में दे देंगे इसके? हाँ, मैंने खरीद लिया मगर पैसे दिया नहीं है। पैसे दिए नहीं लेकिन खरीदने के इरादे से आपने उसको लिया है, खरीदने के इरादे से। हाँ, अब सवाल क्या है आप जरा फिर से कहें। मैंने आपसे सामान खरीद लिया मगर हाँ, पैसे कुछ दिए नहीं। दिए नहीं, कोई बात नहीं। और मैंने तीसरे बंदे को मैंने बेच दिया जी, क्या जाने से? ठीक, अगर खरीदने के बाद कब्जा भी हमारा हो गया है उस सामान पर तो यकीनन हम उसे बेच सकते हैं। हमने नकद खरीदा हो तब भी, उधार खरीदा हो तब भी, दोनों शक्लों में हम उसे सेल कर सकते हैं। अगर हमने खरीद लिया है और उस पर हमारा ही कब्जा है तो यकीनन हम वो तीसरी पार्टी से उसे बेच सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। कम में बेचें, ज़्यादा में बेचें, जिसमें इत्तेफाक हो बेचें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन यही दोनों शर्त हैं कि मिल्कियत हमारी हो जाए और कब्ज़ा भी हो जाए।